नमस्करोमि। स्वागतमत्र भवतां भवतां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणां संस्कृतकर्मिणां संस्कृतविदुषां संस्कृतछात्राणां च संस्कृतजिज्ञासूनां च अस्यां व्याख्यानशृङ्खलायां संस्कृतं पठ आधुनिको भव लर्न संस्कृत बी मॉडर्न। हमने इस व्याख्यान श्रृंखला में आरंभ में व्याकरण लिया है, फिर कथा कौमुदी है, तो आइए व्याकरणम पठामः। किम भवति व्याकरण पठनेन? भाषा शुद्धि, भाषा सामर्थ्यम, भाषा अधिकार, एतत् सर्वमपि व्याकरण अभ्यासेन भवति। तर्हि आरंभे वयम् कासांचित पूर्व पठितानां धातूनां पाठं कुर्मः अष्टाध्यायी धातु पाठेन सह। अष्टाध्याया धातु पाठस्य अयम् इदं संपर्कसूत्रम् HTTPS इत्यादि। तत्र अस्माभिः पूर्वस्मिन् व्याख्याने पठिता केचन धातवः ई फला विशरणे, मील, श्मील, स्मील, क्ष्मील निमेषणे। मया व्याख्यातम्, आपसे पहले ही बताया मैंने इस व्याख्यान में, ई जो है इत करके धातु के रूप सिद्धि के लिए है, फलति फलतः फलंती, विशरण करना, किसी चीज का विकास होना या फैलना या विस्तृत हो जाना, विश्रवण हो जाना। मील श्मील स्मील क्ष्मील निमेषणे, निमेश मैंने कहा था क्षण के लिए, ए मोमेंट, और उसी अर्थ में मिलती श्मिलती स्मिलती इत्यादि रूप बनेंगे। पील प्रतिष्ठम्भे, पील रोकने के अर्थ में। संस्कृत में हम लोग जब समाचार प्रसारित करते हैं तो जैसे शब्द आता है कि वहाँ जो बांध है उसमें जल ज़्यादा आ गया या जल की वजह से उसमें बांध टूट गया, तो बांध को हम लोग अवष्टम्भ कहते हैं, अवष्टम्भ जलबंध। इसी तरह प्रतिष्ठम्भ स्था धातु या स्तंभ धातु से बनेगा, प्रतिष्ठम्भ और अवष्टम्भ स्तंभ धातु से। तो पील रोकना, प्रतिष्ठम्भ करना। नील वर्णे, नीला वर्ण अर्थ में, रंग अर्थ में, या कोई विशेष रंग सूचित करने के अर्थ में। शील समाधो, इसकी मैंने विस्तार से व्याख्या की थी पहले व्याख्यान में, शील समाधि अर्थ में किस प्रकार से होता है। कील बंधने, कीलितम, कील हिंदी में भी हम बोलते हैं, कील गाड़ना, बंधन करना, बांध देना। कूल आवरणे, कूल तटम या तटह, जो नदी का कूल होता है, किनारा, आवरण रोकना, आवृत कर देना, इस अर्थ में कूलते। शूल रुजायाम संघाते च, रुजा अस्वस्थता या बीमारी, और संघात माने समूह, तो शूल, शूलम शूलेन मैंने जैसे कहा था, कांटे को त्रिशूल जैसे शब्द है, तीन प्रकार के दुख को भी त्रिशूल बोलते हैं, तो संघात अर्थ में भी, समूह अर्थ में भी। तूल निष्कर्ष, इसका मैंने इसकी व्याख्या की थी, तूल तुला, इसकी कहानी पंचतंत्र में भी आती है। तुला माने तराजू, और तूला, तूल माने कपास, तो तराजू क्या करता, निष्कर्ष न्याय करता है, कितना वजन दोनों ओर है पलड़े में, इस तरह से। पूल संघाते, संघात अर्थ में, यहां से अब आज के व्याख्यान की नई धातुएं शुरू होती है। पूल संघाते समूह अर्थ में। मूल प्रतिष्ठाया, मूल रूट को बोलते हैं, नामूलम लिख्यते क्वचित, अमूल जिसका कोई मूल ना हो, मूल माने रूट होना, प्रतिष्ठा स्थिति होना, स्थिर होना। फल निष्पत्तो, फल फ्रूट जिसको हम कहते हैं, वृक्ष में फल लग गया तो वो निष्पत्ति हुई, माने जो बीज था उसका परिणाम फल आया है। चुल्ल भाव करने, भाव प्रकट करना, बताना, कहना, व्यक्त करना, इस अर्थ में चुल्ल। फुल्ल विकसने, फुल्लति, पुष्प जैसे प्रफुल्लित, फुल्लित होता है, ब्लॉसम, विकसन अर्थ में। चिल्ल शैथिल्य भावकरणे च, पहले भी भावकरण आया चुल्ल, इसी तरह चिल्ल भी, शिथिलता अर्थ में भी और भाव प्रकट करने के अर्थ में भी। ये सब य र ल व, ये जो है इसके अंत आएंगे, तो ल चल रहा है अंत में, तिलगतो, तिल धातु गति अर्थ में है। वेलरी चेलरी केलरी खेलरी क्षेलरी विल्ल, ये कितनी हो गई, पांच और ये छह, वेलरी चेलरी केलरी खेलरी क्षेलरी, सब रिकारांत है
और विल्ल ये लकार अंत है, चलना अर्थ में, गति अर्थ में, चलने के अर्थ में, और फेलरी शेलरी गतो ये भी गति अर्थ में। चलने और गतो में क्या अंतर है? चलने माने जिसमें पैरों से गति करना होता है, पता चलता कितनी गति हुई। जब शेलरी गतो माने मोशन, किसी भी प्रकार की गति के अर्थ में शेलरी। स्खल संचलने, स्खलन स्खलनम, किसी चीज का अपनी जगह से हटना, उसको खलन बोलते हैं। तो संचलन माने जहां है स्थिर वहां से चलित हो जाना, उससे अपनी जगह से हिलना, स्खलनम। खल संचये इकट्ठा करने के अर्थ में। गल अदने गलती गिलती दोनों अर्थ होता है, निगल जाना। शल गतो शेलरी गतो, शल और शेलरी दोनों गति अर्थ में। स्खल संचलने ये तो हमने देख लिया, दल विशरणे शल गतो, नहीं खल संचये गल अदने शल गतो और दल विशरणे, पुष्प दल जैसे कहते हैं, विशरण माने फैलना या उसका विशरण हो जाना, विस्तारित हो जाना। श्वल और श्वल आशुगमने, उसमें जो अ है वो डिलीट होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। श्वल और श्वल जल्दी जाने के अर्थ में, तेज गति के अर्थ में है। और एक धातु है खोलरी, लेकिन ल्री की जगह री हो जाता, माने रमे री ल्री, खोलरी और खोरी, गति प्रतिघाते, गति के रोकने के अर्थ में, अवरोध करने के अर्थ में। घोरी गति चातुर्य, चतुरता से गति में, विशेष गति जिसको होती है। मैं आपको स्मरण दिलाऊं, हम लोग कंबुग्रीव नाम की कथा पंचतंत्र की सुन रहे थे, तो उसमें कछुआ, दो हंस उसके मित्र होते हैं, उसको कहता तुम मुझे यहां से ले चलो, तो वो एक लकड़ी में उसको कहते तुम इसको पकड़ लो और इसमें ले चलते हैं। तो वहां भी, और बाद में एक कौवे की कथा लास्ट में आती है मित्र प्राप्ति में, तो वहां जो लघुपतनक वायस होता है कौवा, वो उसको कछुआ पूछता है या चूहा है, वो पूछता है तुम कितनी तरह की गति जानते हो, तो वो आठ प्रकार की उड़ने की गति को बताता है। उड्डीना व्याडीना सड्डीना, इस तरह से उड्डीन व्याडीन, आठ प्रकार का भेद वो उड़ने का, कैसे नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे जाना, टेढ़ा मेढ़ा जाना, कैसे पक्षी उड़ते, उसके आठ प्रकार के विष्णु शर्मा ने उसमें भेद बताए हैं। तो गति चातुर्य इसको बोल रहे, घोर्री गति चातुर्य। सर छद्म गतो, मत्सर जैसे शब्द होता है, या इसी तरह से सर छद्म गति के अर्थ में है, छद्मता करना, कपट करना, उस गति में। मैंने जैसे कि हम रामायण का प्रसंग ले, तो उसमें जैसे हिरण होता है, सुवर्ण हिरण, तो वो उसको जब राम उसको पकड़ने जाते हैं तो वो छद्म गति करता है, छुप जाता है, दिखता है, फिर कहीं छुप जाता है, फिर कहीं दूर दिखाई देता है, दूर से वो देखते तो नजदीक दिखाई देता है, ये छद्म गति है। कुमार हूर्छने और अभ्र वभ्र मभ्र और चर, ये चार धातु गत्यर्थक है। अभ्र मभ्र वभ्र मभ्र और चर गत्यर्थ, गति के अर्थ में है, मोशन अर्थ में, कोई भी संचलन होगा उस अर्थ में करेंगे। और उसके बाद 591 एक नवत्युत्तर पंच शततमोयम धातु चर गति भक्षण यो, पहले भी चर कहा गत्यर्थ, और उस 590 और 591 में भी चर गति भक्षण कहा। तो इसमें अंतर क्या हुआ कि एक तो सिर्फ गति के लिए है, और एक गति अर्थक है, और भक्षण चरना जिसको हम कहते हैं ना, पशु चरता है या चारा हम बोलते हैं, पशु चारा, तो उस अर्थ में भी जो घास खाने की है उस अर्थ में भी चर धातु का प्रयोग। और चर गति अर्थ चलने के अर्थ में, जिससे चरण बनता है, आचरण बनता है, संचरण बनता है, संचार बनता है, तो वो चर धातु यही है गति भक्षण अर्थ में। और यहां मुझे याद आ रहा भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी की एक पंक्ति जो बहुत प्रसिद्ध है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम आचरणीयम, चर धातु से अनियर प्रत्यय हो गया, चरणीयम आंग उपसर्ग से आचरणीयम हो गया, नाचरणीयम न आचरणीयम। यद्यपि शुद्धम, कोई कार्य है, कोई निर्णय है, कोई इस तरह से
हमारा व्यवहार है जो शुद्ध है, उसमें कोई कुटिलता नहीं है, शुचिता है, लेकिन फिर भी लोक विरुद्ध है, माने व्यवहार में इस तरह का आचरण नहीं किया जाता है, तो वो न आचरणीयम, न आचरणीयम शंकराचार्य जी कहते हैं, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। तो ये चर धातु, चरणीयम आचरणीयम, और इस तरह से चरण शब्द जैसे मैंने कहा, और बहुत सारे शब्द संचार, फिर चर धातु से उपसर्ग प्रचार, विचार, संचार, आचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये चर धातु के सारे रूप है। तो इसी तरह से इसको गणितात्मक संस्कृत को क्यों कहते, मैं यहां आपसे के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि एक अक्षर, एक ध्वनि, उसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए तो अनंत शब्द बनते हैं। केवल चर धातु है, र में अ भी निकाल देंगे तो चरति चरत चरंति चरसी चरथ चरथ लट लकार में बनेगा, और लंग लकार में अचरत अचरताम अचरण, लोट में चरतु, विधिलिंग में चरित, और भविष्यत में लिट लकार में चरिष्यति चरिष्यत चरिष्यंति, इस तरह से। लेकिन ये तो धातु रूप हो गया, धातु के भी अनंत रूप बनते हैं, लेकिन जब उनको हम संज्ञा बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, प्रातिपदिक का अर्थ प्रातिपदिक बनाते हैं, तब उसमें जो उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स लगते हैं, तो शब्द बनते जाते, बनते जानते, बनते जानते। जैसे मैंने इस बात को आपके सामने पहले भी रखा है कि मेट्रो में हम लोग यात्रा करते हैं तो स्मार्ट कार्ड होता है हमारे पास, वो स्मार्ट कार्ड जो है एक तरह से उससे यात्रा होती है, और इसमें हम धन जमा करते हैं और निकालते हैं, तो ये स्मार्ट कार्ड जितना धन रखेंगे उस हिसाब से इसमें माइनस प्लस करते जाएंगे, एंट्री एग्जिट होगा। तो स्मार्ट कार्ड तो अंग्रेजी नाम है, इसका हमने जब समाचारों में प्रयोग किया तो स्मार्त पत्रम किया। स्मार्त पत्रम इसलिए किया कि स्मृति शब्द है, स्मृति मतलब मेमोरी, और मेमोरी से रिलेटेड, बिकॉज द मेमोरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज हियर इन दिस कार्ड, तो स्मार्ट कार्ड तो वैसे नाम रखा है, हमने इसको स्मार्त पत्रम कर दिया। यानी अनुवाद संस्कृत में इतनी क्षमता है कि कोई भी नया शब्द है उसको बोध करवाने के, उसके अर्थ को बोध करना करवाने के लिए उसकी धातुओं में और उसके प्रत्यय विसर्ग के साथ जो नया शब्द बनता है उसमें इतनी शक्ति है कि उस अर्थ का वो बोध करवाएगा। ठीक इसी तरह से मोबाइल में सिम कार्ड होता है, सिम उसमें भी मेमोरी है आपकी, तो हमने उसको स्मृति पुटम या स्मृति पुटकम कर दिया, यानी उसमें भी मेमोरी है। ऐसे नए नए शब्द बहुत सारे जो अधुनातन हमारे प्रयोग के हैं, डबल डेकर बस या डबल डेकर रेल, तो द्वितलियम रेलयानम, द्वितलियम बसयानम, इस तरह से। तो चर केवल एक ध्वनि है, उसको मल्टीप्लाई करते जाइए और शब्द बनते जाएंगे और उसके अर्थ। और इसी तरह से इन मूल धातुओं को लेकर हमारी जो दूसरी क्षेत्रीय भाषा या बोलियां हैं, उन बोलियों में भी इन जो मूल रूट धातु है वो उसका बोध होता है कि उससे शब्द बनते हैं, फिर उसमें प्रत्यय और उपसर्ग और उसका समूह जो होता है उसको कभी समान, कभी व्यत्यय उल्टा करके, कभी आगे पीछे करके नए नए शब्द बनते हैं। ये है इस संस्कृत की विशेषता, जिसकी वजह से इसकी प्राचीनता और नवीनता, आधुनिकता सिद्ध होती है। कितनी भी प्राचीन है फिर भी ये नवीन है। केवल मैं आपको ये व्यवहार में प्रयोग करते हैं, इसलिए एतदस्ति आधुनिक संस्कृतस्य स्वरूपम्। संस्कृत आधुनिक है और पहले नहीं थी, केवल समझने के लिए वही है। लेकिन वैदिक और लौकिक दो भेद करते हैं। लौकिक संस्कृत में भी 21वीं शताब्दी की हमारी ये संस्कृत है, जो कि हम अपनी मातृभाषा या हिंदी या दूसरी कोई भी भाषा के साथ साथ समझ सकते हैं और अपना संप्रेषण, विचार संप्रेषण, भाव संप्रेषण कर सकते हैं। तो चर गति भक्षण यो, इस पर मैंने आपको ये बात कही। स्थिवु निरसन है, स्थिवु का मतलब निकालना, निरसन माने निकालना होता है, जैसे थूकना, उस अर्थ में भी स्थिवु धातु का प्रयोग होता है। जी जय, जय अर्थ में जयतिते अधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। ये गोपी का गीत का मतलब, इसकी दो पंक्ति मैंने भागवत की आपने सामने रखी। जयति, जी जय, विजय करने के अर्थ में। जीव प्राण धारणे, जीवति प्राण धारण करना, क्योंकि हमारे यहां सीधा सा तो वैज्ञानिक सत्य है कि शरीर में जब तक प्राण है तब तक हम जीवित हैं, प्राण चला गया तो
शरीर को हम मिट्टी हो गया कहते हैं, तो प्राण धारण करना जीवती जब हम कहेंगे तो श्वास जब तक लेता रहेगा तो जीवती अर्थ आ जाएगा। पीव मीव तीव अणीव स्थौल्ये, ये चारों धातु हमारी स्थूलता अर्थ में है। जैसे हम कह रहे हैं पीवर पीवर तनु हूं, मोटा शरीर मोटा आदमी, तो पीवर शब्द स्थूलता अर्थ में। मीव तीव क्षणीव, क्षणीव में नीव भी हो जाएगा, अण को न भी बन जाएगा, स्थौल्य स्थूलता अर्थ में। और अब अंत में उर्वी तुर्वी थूर्वी दूर्वी धूर्वी, ये पांच धातु ये है, वकारांत है लेकिन दीर्घ इससे अंत होता है। उर्वी, उर्वी वैसे भी पृथ्वी को बोलते हैं लेकिन यह हिंसार्थक, हिंसार्थक माने जो सामान्य अर्थ है उससे थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव अर्थ में इसको, इन धातुओं को लेते हैं मूल रूप में, फिर उसका अर्थ अर्थांतर हो जाता, दूसरा अर्थ बदल जाता उपसर्ग प्रत्यय से। इस प्रकार से हमने धातु पाठ आज 603 धातु का पाठ किया है, और कुछ और धातु हैं वादिगण में, उसके बाद अदादि दिवादि जूहोत्यादि तनादि स्वादि इत्यादि गण में जो धातु होंगे उसको हम लेंगे। अब हम चुरादि गण को लेते हैं। इससे पिछले वाले व्याख्यान में हमने क्रियादि को पूरा किया, उसके धातुओं का पाठ किया और चुरादि का इंट्रोडक्शन किया था। चुर धातु चोरी अर्थ में है और चुर आदि चुरादि बोलेंगे, इसलिए इस गण का नाम चुरादि है। इसमें कुल 411 धातुएं हैं और इन धातुओं और प्रत्ययों के बीच में अयवीकरण आता है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो चुर अय और ति चोर अयति, चू का उ जो है उपधा इसको बोलते हैं, उसका गुण हो जाएगा चू का ओ चोर अयति। इस गण की धातुओं में ई ऊ री ये तीनों जो है इसका गुण होगा, ई को अय होगा, उ को अव होगा, री को अर होगा, दो हम पढ़ के आए हैं पहले से ही। उपधा यदि यानी किसी शब्द के अंतिम अक्षर के पहले का अक्षर जो अ है मान लीजिए, जिसके बाद संयुक्त व्यंजन हो उसको, और अंतिम स्वर की वृद्धि हो जाती है, जैसे क्षल है, क्षल में क्ष में अ है, ये क्या है उपधा है, और संयुक्त व्यंजन क और श है तो इसकी वृद्धि होगी क्षालयति हो जाएगा, तड़ है ताड़यति हो जाएगा। आकारांत धातुओं में आ के बाद प, अभी अब हम लोग इसके उदाहरण में देखते हैं। अब आइए चूर धातु का लट लकार का रूप देखते हैं, ये उभयपदी है, पहले परस्मैपदी रूप देखते हैं लट लकार में। चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयसि चोरयथः चोरयथ, चोरयामि चोरयावः चोरयामः, ये लटलकार के रूप हो गए बहुत सरल। और इसी तरह से जो प्रेरणार्थक जब हम धातुओं का रूप चलाएंगे उसमें भी इस तरह से णी और उसको अय होता है, जैसे करोति का कारयति हो जाएगा, धावति का धावयति हो जाएगा, पठति का पाठयति हो जाएगा, इसको हम बाद में लेंगे। अभी चुरादिगण में अय विकरण और गुण हो जाएगा धातु की उपधा को चोरयति चोरयता। इसका चोर धातु का अब हम लंगलकार का रूप देखते हैं भूतकाल में, अचोरयत अचोरयताम अचोरयन, अचोरयः अचोरयतम अचोरयत, अचोरयम अचोरयाव अचोरयाम, इस तरह से लंगलकार भूतकाल का रूप। लोटलकार में चोरयतु चोरयताम चोरयन्तु, चोरया चोरयतम चोरयत, चोरयाणी न होता है लेकिन उस न को चो के बाद र की वजह से अण हो जाएगा, चोरयाणी चोरयाव चोरयाम। विधिलिंग चोरयेत चोरयेताम चोरयेयुः, चोरयेह चोरयेतम चोरयेत, चोरयेयम चोरयेव चोरयेम। और लिट लकार पांचवा हमारा लकार भविष्यत्काल, चोरयति था लंग लकार लट लकार में और लिट में चोरयिष्यति, स्य और जो उसका स है उसको मूर्धन्य श यम ई के कारण, तो चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति, चोरयिष्यसि चोरयिष्यथः
चोरयिष्यथ चोरयिष्यामि चोरयिष्यावः चोरयिष्यामः। ये तो पांचों लकार के परस्मैपदी रूप हो गए। अब इसी धातु के हम आत्मनेपदी, क्योंकि उभयपदी धातु है तो इसके लट लकार वर्तमान काल में वहां चोरयति था, यहां चोरयते चोरयेते चोरयन्ते चोरयसे चोरयेथे चोरयध्वे चोरये चोरयावहे चोरयामहे। और लंगलकार भूतकाल में अचोरयत, वहां अचोरयत था परस्मैपदी में, त हलन था, यहां त पूरा है। अचोरयत अचोरयेताम अचोरयंत अचोरयथा अचोरयेथाम अचोरयध्वम अचोरये अचोरयावहि अचोरयामहि। और लोट लकार चोरयताम चोरयेताम चोरयंताम चोरयस्व चोरयेथाम चोरयध्वम चोरयै चोरयावहि चोरयामहि। लोट लकार आज्ञार्थक है, आत्मनेपदी रूप चूर धातु के। और विधिलिंग में आत्मनेपद में चूर धातु से बनेगा चोरयेत चोरयेताम चोरयेरन चोरयेथाः चोरयेथाम चोरयेध्वम चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि। विधिलिंग के रूप है ये। और अब अंतिम लिट्लकार भविष्यत्काल चोरयिष्यते, परस्मैपदी में था चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति और यहां आत्मनेपद में चोरयिष्यते चोरयिष्येते चोरयिष्यन्ते चोरयिष्यसे चोरयिष्येथे चोरयिष्यध्वे चोरयिष्ये चोरयिष्यावहे चोरयिष्यामहे। अत्रैव अस्माभिः धातूनां पाठः अपि च धातूनां पञ्चलकारेषु रूपाणि पठितानि अभ्यस्तानि श्रुतानि दृष्टानि च। साम्प्रतं किं भविष्यति? द्वितीयक्रमे अस्माकं प्रवेशः भविष्यति, तत्र वयं कथाकौमुदीं स्वीकृत्य अग्रे सरेम। लघुकथा अस्ति परं काश्चन कथाः महत्यः बृहत्यश्च वर्तन्ते पञ्चतन्त्रे, एका तु मुख्या कथा, अपराश्च उपकथाः सन्ति। पञ्चतन्त्रं लेखकः विष्णुशर्मा। तर्हि अत्र मंगलाचरणं, गुरुभ्यो नमः नमः गुरुगणपतिशारदाभ्यः। तच्छ्रुत्वा भगवान् आह, संगति क्या है? हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि किस प्रकार से गरुड़ ने दूत के माध्यम से वैनतेय की बात भगवान विष्णु तक पहुंचाई। तो भगवान आए और उन्होंने कहा, वैनतेय तुमने सच कहा है, क्योंकि भृत्यापराध जो दंड स्वामी नो जायते यथा तेन लज्जा पि तस्योत्था न भृत्यस्य तथा पुनः। भृत्य का अपराध, सेवक का अपराध जो है वो स्वामी उसके लिए उत्तरदायित्व मतलब उत्तरदायी होता है और दंड भी स्वामी को मिलता है, लज्जा भी उसको होती है, भृत्य को नहीं होती है। तद आगच्छ ये न अंडानी समुद्राद आदाय टिट्टिभम संभावयामः, चलते हैं और समुद्र से अंडे लेकर टिटहरे को हम ससम्मान आदर के साथ लौटा देते हैं। अमरावतीम च गच्छाव, और हम इंद्रपुरी अमरावती जाते हैं। तथा अनुष्ठिते समुद्रो भगवता निर्भरस्य आग्नेयम् शरम संधाय अभित, ये भी हम पढ़ चुके थे। इस तरह से वे आए समुद्र के पास और भगवान ने बड़े डांट के उसको आग्नेयशर का संधान किया और कहा, भो दुरात्मन दीयताम टिट्टिभाण्डानी नोचे स्थलताम तो हम नयामि। तथा समुद्रेण सभयेन टिट्टिभाण्डानी तानि प्रदत्तानि टिट्टिभेनापि भार्यायै समर्पितानि। यहां से अब हम नई कथा शुरू करेंगे कि टिटहरे ने भी अपनी पत्नी को वो अंडे दे दिए। अतो हम ब्रवीमि शत्रोर बलम अविज्ञाय इति। अब यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अतो हम ब्रवीमि, अहम ब्रवीमि कौन बोलता है ये, शत्रोर बलम अविज्ञाय। तो इसके लिए हमको 12 व्याख्यान पीछे जाना होगा। संस्कृतम पठ आधुनिको भव के भाग 76 भाग में, जिसका ये आमुख है, और उसमें कथा जब चलती थी तो संजीवक बात कर रहा था दमनक के साथ
कि किस प्रकार से पिंगलक के साथ तुम्हें लड़ाई करनी है। और वहां वो जो श्लोक बोलता है वो है श्लोक जो इस कथा के साथ जुड़ता है, वो शुक्ल है, शत्रोर विक्रम अज्ञात्वा वैरमारभते ही या सपराभव आप्नोति समुद्रा स्थितिभाद यथा। जैसे टिटहरे से समुद्र पराभव प्राप्त करता है, इसी तरह से शत्रु का विक्रम बल बिना जाने उसे वैर नहीं करना चाहिए। और संजीव का कथमेतत कैसे, तो सोब्रवीत जो है दमनक कहानी कहता है। और इस तरह से टिटहरे की कहानी शुरू हुई थी। और अब हम आगे अगले व्याख्यान में इस कहानी को लेंगे और आगे बढ़ेंगे। समय यहीं पूरा होता है। धन्यवाद। नमस्कार।